नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मींस प्रोडक्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है गिवन पावर्ड नंबर को। ए पार्ट 2 टू द पावर 5, हेयर 5 इज एक्सपोनेंट एंड 2 इज बेस, सो वी राइट 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 2। बी पार्ट 3 टू द पावर 4, एक्सपोनेंट इज 4 एंड बेस इज 3, सो वी राइट 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3। सी पार्ट -7 टू द पावर 3, यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंट 3 है, -7 बेस है, सो वी राइट 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -7। डी पार्ट -12 टू द पावर 2, हेयर एक्सपोनेंट इज 2 एंड बेस इज -12, सो वी राइट 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातें अच्छे से सीख लेनी है। फर्स्ट, जब जब -1 की पावर कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर होगी तो वो आंसर हमें -1 देगी, एंड जब जब -1 की पावर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तब उसका आंसर हमारे पास +1 होगा। सीधे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, अगर -1 ओड टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा -1 आंसर देगा, अगर -1 इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो वो हमें +1 आंसर देगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूट द फॉलोइंग। 3 टू द पावर 4 मींस 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, दैट इज आंसर। बी पार्ट -5 टू द पावर 2, इट मींस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -5, माइनस माइनस इज प्लस एंड 5 5 25, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट -1 रेज टू पावर 78, अभी अभी हमने रूल पढ़ा था, अगर -1 की पावर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो हमेशा हमें आंसर देगा +1, सो राइट +1। यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं -1 रेज टू पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज गिव अस +1 आंसर, राइट। डी पार्ट 11 टू द पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 11, दैट इज इक्वल टू 1331। फर्स्टली 11 को 11 से करेंगे 121 एंड 121 को 11 से फिर करेंगे 1331, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट ई पार्ट -4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1 टू द पावर 789। सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट टर्म को, -4 टू द पावर 3 मींस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -4, सिमिलरली -10 टू द पावर 3 मींस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -10, एंड -1 की पावर अगर ओड नंबर हमारे पास है तो उसका आंसर होगा -1, हम यूज कर सकते हैं यहां पर -1, राइट। नेक्स्ट 3 टाइम्स -4 की प्रोडक्ट निकालेंगे, 4 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे 64, एंड माइनस को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे माइनस, क्योंकि 3 टाइम्स प्रोडक्ट किया गया है माइनस, 3 इज ओड नंबर सो प्रोडक्ट हमेशा माइनस रहेगी। सिमिलरली -10 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे 1000, एंड माइनस को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे अगेन माइनस, 3 टाइम्स है ओड नंबर है सो नेगेटिव साइन भी 1000 के साथ यूज करें, मल्टीप्लाई -1 एज इट इज। अब हमें 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 64000 आंसर, एंड नेगेटिव को अगर 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे अगेन 3 इज ओड नंबर, और माइनस को अगर ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ माइनस एज इट इज बना रहेगा, सो फाइनली आवर आंसर इज -64000। एफ पार्ट 50 टू द पावर 2
that is equal to 50 multiply 50. It means 2 times the product of base, that is 50. 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर विच इज क्यूब ऑफ -9. क्यूब ऑफ -9 को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे -9 raised to power 3, दैट इज इक्वल टू -9 multiply -9 multiply -9. 3 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9, एंड माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस. सो आंसर इज -7 to 9, राइट. नेक्स्ट बी पार्ट, स्केयर ऑफ 15. सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे 15 to the power 2, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 15. 15 multiply 15 is 225, आंसर. सी पार्ट, फिफ्थ पावर ऑफ -10. सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे -10 to the power 5. मीनिंग क्या होगा, 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -10. 10 को 5 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 लाख होगा, एंड माइनस को अगर 5 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, 5 इज ओड नंबर, सो आंसर के साथ माइनस बना रहेगा. आंसर इज -1 लाख, राइट. एंड डी पार्ट, 19th पावर ऑफ -1. सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे -1 to the power 19. 19 इज ओड नंबर, और -1 की पावर अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका आंसर हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1. हम यहां पर प्रॉपर्टी राइट कर सकते हैं, ओके. 7, सिंप्लीफाई. ए पार्ट, 3 square plus 4 square. 3 स्केयर को एक्सपेंड करेंगे 3 multiply 3 plus 4 square को एक्सपेंड करेंगे 4 multiply 4. 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16. 9 plus 16 is 25, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बी पार्ट, 2 cube minus 4 square. 2 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे 2 multiply 2 multiply 2 एंड 4 स्केयर को एक्सपेंड करेंगे 4 multiply 4. नेक्स्ट स्टेप पर प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू +8, एंड 4 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 16. नाउ बोथ टर्म आर हैविंग अपोजिट साइन. सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव है. जब जब अपोजिट साइन होंगे वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े इंटीजर में से छोटे को. -8 इज आवर आंसर. साइन हमेशा बड़े वाले इंटीजर का रहेगा, जैसा कि हम पहले भी यूज करते आए हैं, राइट. सी पार्ट, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. 1 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 1. 2 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 2. एंड 3 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3. नेक्स्ट स्टेप पर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 1 को 3 टाइम प्रोडक्ट किया 1 आंसर, 2 को 3 टाइम प्रोडक्ट किया 8 आंसर, एंड 3 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट किया 27 आंसर. सभी को प्लस करेंगे बिकॉज दे आर ऑल हैविंग सेम साइन, राइट. सभी को प्लस करेंगे, 36 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट पार्ट डी, -10 cube plus -10 square plus -10. अगर किसी की एक्सपोनेंट नहीं होती तो वहां पर 1 यूज कर सकते हैं आप. सो एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट टर्म को, -10 cube का मीनिंग है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -10, एंड -10 square का मीनिंग है 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -10 plus -10 as it is. 3 टाइम्स -10 की प्रोडक्ट करेंगे, आंसर इज -1000, एंड 2 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे -10 की, आंसर इज +100. -10, माइनस को प्लस से प्रोडक्ट किया -10, राइट. अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म को कंबाइन करना है. लाइक टर्म कौन सी है, जिनके साथ सेम साइन है. फर्स्ट टर्म के साथ माइनस साइन है और लास्ट टर्म के साथ भी माइनस साइन है. सो दोनों को हम प्लस करेंगे. दोनों को प्लस करने पर हमारे पास क्या होगा, सेम साइन है, एज इट इज रहेगा, और हम ऐड करेंगे दोनों ही इंटीजर को, दैट इज 1010. मिडल टर्म एज इट इज विद प्लस साइन. अब हमारे पास दोनों टर्म अपोजिट साइन की है. जब जब साइन अपोजिट होंगे वहां पर हम माइनस करेंगे, और माइनस करते हुए ध्यान रखें बड़े में से छोटे को माइनस करें, और आंसर के साथ बड़े इंटीजर का साइन भी रखें. सो -1010 में से 100 को माइनस करेंगे, आंसर इज 910.
लेकिन बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था? नेगेटिव। सो यूज करें यहाँ पर नेगेटिव। 910 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ई पार्ट, 3 क्यूब माइनस माइनस 2 क्यूब। एक्सपेंड करेंगे 3 क्यूब को, राइट कर सकते हैं 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3। माइनस माइनस 2 क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2, राइट। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 हमें आंसर देगी 27। माइनस एज इट इज, माइनस 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे हमें आंसर मिलेगा -8, क्योंकि 2, 2 और 2, 3 टाइम्स 2 को प्रोडक्ट किया 8, और 3 इज ओड नंबर, और ओड टाइम्स अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर नेगेटिव साइन भी यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 27 एज इट इज माइनस माइनस इज प्लस 8, देन 27 प्लस 8 इज 35, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एफ पार्ट, -1 टू द पावर 16 प्लस -1 टू द पावर 36 प्लस -1 टू द पावर 7 प्लस -1 टू द पावर 54। एज वी नो -1 की पावर ओड है तो माइनस आंसर -1 आंसर होगा, एंड -1 की पावर इवन है तो वहां पर हमारा आंसर +1 होगा। फर्स्ट टर्म -1 की पावर इवन है, सो आंसर इज +1। प्लस एज इट इज -1 की पावर अगेन इवन है, दैट इज अगेन +1। थर्ड टर्म प्लस एज इट इज -1 की पावर 7 है, 7 इज ओड नंबर, सो आंसर इज -1। एंड लास्ट टर्म इज -1 रेज टू पावर 54, दैट इज इवन इंटीजर, सो +1। नेक्स्ट स्टेप पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, 1 एज इट इज प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 1 एज इट इज। -1 से +1 कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग है उनको हम ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज आवर आंसर।